Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about sugarcane plant. बच्चों, आज हम गन्ना के पादप के बारे में स्टडी करेंगे. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ शुगर कैन प्लांट, गन्ने के पादप का आर्थिक महत्व के बारे में स्टडी करेंगे. इसका मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर कैन, फैमिली एंड ओरिजन. बॉटनिकल नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम, फैमिली ग्रैमिनी और पोएसी. इसका ओरिजन न्यू गिनी या गुइनिया इसके अंदर होता है, इसका ओरिजन है. इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया और इसके एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया. गन्ने की सर्वाधिक उपज जो होती है पूरे विश्व में, सबसे अधिक उपज भारत में होती है और भारत में भी 45% भाग इसके गन्ने की उपज का उत्तर प्रदेश में पैदा होता है. फिर इसकी तीन स्पीशीज के बारे में बताया, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम साइनेंसिस एंड सेकेरम बारबेरिस. इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने इसके बाद बताया आपको, रूट स्टॉक एंड लीव्स के बारे में बताया, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया. अब हम इसी कड़ी में सेकेंड वीडियो में हम आगे चलते हैं, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट. इसको किस तरह का क्लाइमेट यानी कि किस तरह की इसको जलवायु की आवश्यकता होती है. शुगर केन इज ए ट्रॉपिकल प्लांट. टेम्परेचर अबव 50 डिग्री अरेस्ट इट, ग्रोथ दोज बिलो 20 डिग्री स्लो इट डाउन. उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में गन्ने की खेती की जाती है. भूमध्य रेखा के 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर दक्षिण भाग गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है. 50 डिग्री पर ये अरेस्ट हो जाते हैं और 20 डिग्री पर इसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है. लो टेम्परेचर रिड्यूस टिलरिंग, लो टेम्परेचर पर इसकी टिलरिंग रिड्यूस हो जाती है. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ इज 26 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम तापमान है 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड. द क्रॉप डज बेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन, रिसीविंग ए रेनफॉल ऑफ 75 to 120 सेंटीमीटर पर एनम. तेज चमकीली धूप वे 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली जलवायु इस पादप वृद्धि के लिए अच्छी होती है. प्रकाश स्नेही होने के कारण, सन लविंग होने के कारण प्रकाश की मात्रा इसके टिलरिंग को, तलशाकन को भी प्रभावित करती है. अब है सोइल. शुगर केन कैन बी ग्रोन ऑन ऑल टाइप ऑफ सोइल रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले लोम. सेलाइन, एल्केलाइन एंड एसिडिक सोइल आर नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर द क्रॉप इन नॉर्दर्न इंडिया. भारी दोमट व चिकनी मृदा गन्ना की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है. कई स्थानों में इसे फसल चक्र के साथ भी बोया जाता है. सेलाइन, एल्केलाइन और एसिडिक सोइल जो होती है गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती. अब हम आते हैं कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, गन्ने की खेती. गन्ने की खेती में सबसे पहले हम खेत को तैयार करेंगे, फील्ड प्रिपरेशन. शुगर केन नीड्स डीप टिलेज, शेलो प्लगिंग
with local plug limits the development of root system in lodging of cane plant. Deep plugging, especially in heavy soil, help in the root system penetrating deep into the soil. सबसे पहले क्या करते हैं, फील्ड तैयार करते समय खेत की जुताई करते हैं. गन्ने की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खेत की दो बार गहरी जुताई की जाती है. तत्पश्चात खेत को समतल कर दिया जाता है. यदि वर्षा ना हो तो एक बार सिंचाई आवश्यक है. वह इसके अंदर खाद व उर्वरक भी डाला जाता है. खेत तैयार हो गया. अब इसके बाद हम इसकी बुआई करेंगे. सीड एंड सोइंग, बीज और उसकी बुआई. द टॉप 1/3 to 1/2 पोर्शन ऑफ द केन बींग कंपेरेटिवली इमेच्योर हैज बड्स ऑफ हाई वायबिलिटी एंड इट्स बेस्ट फॉर सोइंग. सेट शुड बी ट्रीटेड विद 0.5% सॉल्यूशन ऑफ एगेलोल और एरिटोन. जलवायु भिन्नता के कारण बुआई का समय सोइंग का समय भिन्न भिन्न होता है. बुआई से पहले बीज या सेट्स को तैयार किया जाता है. इसके लिए गन्ने के तने की पत्तियों को हटाया जाता है. ये कार्य हाथ से सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि पर्व संधि पर उपस्थित कलिकाओं को नुकसान ना हो, वो कलिकाएं नष्ट ना हो. इसके पश्चात गन्ने के तने को 2-3 पर्व संधि युक्त खंडों में काट कर सेट्स तैयार किए जाते हैं. इस कार्य के लिए निरोगी पादप का चयन किया जाता है. बीजों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित किया जाता है जो कि 0.5% सॉल्यूशन ऑफ एगिलोल और एरिटोन का काम में लिया जाता है. टाइम ऑफ प्लांटिंग, ऑटम प्लांटिंग, प्लांटिंग इन अक्टूबर इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में अक्टूबर में प्लांटिंग की जाती है. अर्थसली प्लांटिंग, प्लांटिंग इन जून जुलाई एंड टेक 15 to 18 मंथ फॉर हार्वेस्टिंग. इट इज कॉमनली ग्रोन इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में इसकी प्लांटिंग जून जुलाई में की जाती है और हार्वेस्टिंग इसकी 15 to 18 महीने बाद की जाती है. एक सली और स्प्रिंग प्लांटिंग, प्लांटेड इन जनवरी फरवरी एंड टेक अबाउट 1 year टाइम फॉर हार्वेस्टिंग. इट इज growing in North India. ये जनवरी फरवरी में बोई जाती है और उसके बाद इसकी एक साल बाद इसकी कटाई की जाती है. ये मेनली नॉर्थ इंडिया में फसल पाई जाती है. मेथड ऑफ प्लांटिंग, किस तरह से प्लांटिंग करेंगे. फ्लैट प्लांटिंग, इट फॉलोड इन नॉर्थ इंडिया. इन दिस मेथड शेलो फरो आर ओपन विद ए लोकल प्लग और कल्टीवर एट द डिस्टेंस ऑफ 75 to 90 सेंटीमीटर. देयर शुड बी एडिक्यूएट मॉइस्चर इन द फील्ड एट टाइम ऑफ प्लांटिंग. द सेट्स आर प्लांटेड इन देम एंड टू एंड. फरो आर कवर्ड विद 5 to 7 सेंटीमीटर सोइल. गन्ने के तने को 2-3 पर्व संधि युक्त खंडों को काट कर सेट्स से बनाए जाते हैं. इस कार्य हेतु निरोगी पादप का चयन किया जाता है. उन बीजों की बुआई से पहले बीजों को सीड ट्रीटमेंट किया जाता है. अब उपचारित बीजों को बोया जाता है. हल द्वारा निर्मित खांचों में 50 to 70 सेंटीमीटर की दूरी पर क्षैतिज में रोपण कार्य किया जाता है. रोपण कार्य के पश्चात नमी बनाने के लिए खेत को समतल किया जाता है.
अंकुरण की प्रक्रिया लगभग 15 दिन में पूरी होती है। फसल का परिपक्व 12 से 14 महीने में होता है। खेत में समय समय पर खरपतवार हटाई जाती है। वे गन्ने की फसल को निरंतर समयांतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई 15 दिन के बाद की सिंचाई लगभग 30 दिन के अंतराल पर की जानी चाहिए। हल्की मिट्टी वाले स्थानों पर फसल को गिरने से रोकने के लिए जड़ों पर मिट्टी चढ़ाई जाती है। ट्रेंच मेथड इन द सम कोस्टल एरिया एज वेल एज इन द अदर एरिया वर द क्रॉप ग्रो वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग रेनी सीजन कॉज लॉगिंग ऑफ कैन ट्रेंच मेथड इज अडॉप्टेड टू द सेव द क्रॉप फ्रॉम लॉगिंग। इसमें क्या होता है कि फसल अगर लगी हुई है तो ये क्या तेज़ हवा चलेगी तो सारी की सारी फसल गिर जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, फसल के बीच बीच में एक नाली जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है नालियाँ सी बना देते हैं ताकि इससे फसल मजबूती से खड़ी रहेगी। द ट्रेंचेज एट द डिस्टेंस इफ 75 to 90 सेंटीमीटर आर डग विद द हेल्प ऑफ ड्रेंचर और बाय द मैनुअल लेबर द्वारा। ट्रेंचेज शुड बी अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर डीप। ट्रेंच होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर डीप खोदा जाता है। द ट्रैक्टर ड्रॉन शुगर केन प्लांटर इज ए वेरी सुटेबल डिवाइस फॉर प्लांटिंग केन इन ट्रेंचेज। फर्टिलाइजर NPK नाइट्रोजन पोटेशियम आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द ट्रेंचेज एंड मिक्स्ड थ्रू आउटली इन द सोइल। अब इसके अंदर मैन्यूल एंड फर्टिलाइजर कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। हैवी फीडर क्रॉप बट हायर डोज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग राइपनिंग स्टेज डिक्रीज सुक्रोज कंटेंट इन मैच्योरिंग कैन। ब्लैंकेट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाश। द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन नॉर्मल सोइल इज अमोनियम सल्फेट, इन सेलाइन सोइल इज यूरिया एंड इन एसिडिक सोइल इज UCN। द एक्सेस नाइट्रोजन अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ जूस एंड डिले मेच्योरिटी। अधिक नाइट्रोजन से क्या होगा, इसकी जूस की क्वालिटी में अंतर आएगा और इसकी मेच्योरिटी देरी से होगी। वीड कंट्रोल इन शुगर केन वीड हैव बीन एस्टिमेटेड टू कॉज 12 to 72% रिड्यूस इन द केन यील्ड डिपेंडिंग अपॉन द सेवरिटी ऑफ इन्फेक्शन। इन शुगर केन वीट हैव बीन एस्टिमेटेड टू कॉज 12 to 72% रिडक्शन इन द केन यील्ड डिपेंडिंग अपॉन द सीवरिटी ऑफ इन्फेक्शन। सीवरिटी ऑफ इन्फेस्टेशन शुगर केन में जो वीट होता है उससे शुगर की जो उपज होती है 12 to 72% तक कम हो जाती है। द शुगर केन ग्रोथ इज वेरी स्लो इन द इनिशियल स्टेज। अगर वीट्स लगे हुए हैं खेत में तो उसकी शुगर केन की ग्रोथ इनिशियल स्टेज पे बहुत धीरे धीरे होगी। इट टेक अबाउट 30 to 45 डेज टू कम्प्लीट जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन में 30 से 45 दिन का समय लेते हैं। अनदर 60 to 75 डेज फॉर डेवलपिंग फुल केनोपी कवर। मेन वीड्स कौन से हैं इसके, साइप्रस, साइनेडोन, सोरगम, चीनोपोडियम, कॉर्नवोलस, अमेरेंथस, ये सब इसके वीड्स हैं। वाटर मैनेजमेंट फॉर हाई यील्ड द सीजनल क्रॉप वाटर रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन क्रॉप वर एस्टिमेटेड एट बिटवीन 1100 to 1500 पर हेक्टर मिलीमीटर पर हेक्टर। फॉरो मेथड ऑफ इरीगेशन इज मोस्ट कॉमन मेथड
ऑफ इरीगेशन इन शुगर कैन. अंडर हाई टेम्परेचर सुक्रोज गेट्स कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिकम पुअर. अगर ज़्यादा तापक्रम होगा तो शुगर सुक्रोज जो होगी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी और जो उसकी क्वालिटी होगी वो एकदम से पुअर हो जाएगी. फेज ड्यूरिंग जर्मिनेशन 0 to 60 days, फॉर्मेटिव 60 to 130 days, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन दिस स्टेज. ग्रांड ग्रोथ 130 to 150 days, मैच्योरिटी 250 to 365 days. अब है अर्थनिंग अप. अर्थनिंग अप ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज हीलिंग अप. अर्थनिंग अप को हम हीलिंग अप के नाम से भी जानते हैं. दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन 2 or 3 stages. ये सेकेंड या थर्ड स्टेज में ये किया जाता है. द फर्स्ट अर्थनिंग अप ऑपरेशन इज नोन पार्शियल अर्थनिंग अप एंड द सेकेंड थर्ड ऑपरेशन इज नोन एज फुल अर्थनिंग अप. The partial earthening up is done at 45 days after planting. Partial earthening up कब करते हैं, जब इसकी planting को 45 दिन का समय हो जाता है उसके बाद इसकी partial earthening up करते हैं. In partial earthening up, little amount of soil from either side of the furrow is taken and placed around the base of the shoot. 45 दिन बाद उसके आसपास जो भी मिट्टी होती है उसको समेट कर उसकी शूट के पास नीचे की तरफ एक ऊंचा सा हिस्सा बना देते हैं. फुल अर्थनिंग अप इज डन आफ्टर 120 days आफ्टर प्लांटिंग कोइंसिडिंग विद द पीक टिलर पॉपुलेशन स्टेज. अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई. टू हार्वेस्ट द केन एट पीक मैच्योरिटी, केन की पीक मैच्योरिटी पे इसकी फसल की हार्वेस्टिंग की जाती है. कटिंग केन टू ग्राउंड लेवल सो दैट द बॉटम शुगर रिच इंटरनोड आर हार्वेस्टेड विच एजेड टू यील्ड एंड शुगर. डू टॉपिंग एट एप्रोप्रिएट हाइट सो दैट द टॉप इमेच्योर इंटरनोड आर एलिमिनेटेड. प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द केन, केन की प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं. परिपक्व अवस्था में नीचे की पंड पहले सूखती है, शीर्ष भाग की कुछ पंडें हरी पंड रहती है. रिफ्रेक्टोमीटर द्वारा पादप की परिपक्वता को जांच की जाती है. शुगर रिफ्रेक्टोमीटर आता है, इससे पादप की परिपक्वता की जांच की जाती है कि प्लांट मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ. फसल परिपक्व होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है. फसल पकने के बाद परिपक्व पादपों को तेज धार वाले चाकुओं की सहायता से तने को आधार से काटा जाता है. शीर्ष पर्ण को छोड़कर सभी पर्णों को हटाकर उसके गट्ठर बना लिए जाते हैं. इन्हें रस निष्कर्षण व चीनी निर्माण फैक्ट्री में भेज देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रेटूनिंग. रेटूनिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए क्रॉप फ्रॉम द स्टबल्स ऑफ प्रोवाइड क्रॉप्स. द मेन बेनिफिट ऑफ रेटूनिंग इज दैट द क्रॉप मैच्योर्स अर्लियर इन द सीजन. रेटूनिंग कैन ऑल्सो डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रिपरेशन द फील्ड एंड प्लांटिंग. गन्ना पेडी क्रॉप रेटून क्रॉप अर्थात है. गन्ना पेडी क्रॉप है, रेटून क्रॉप है अर्थात कटाई के दौरान छोड़ी गई पेड़ियां जो रेटून होते हैं, छोड़ी गई पेड़ियां जो कि 1 या 2 पर्व लंबी स्तंभ का आधार है को 3-4 हफ्ते में अंकित हो जाते हैं. उनको एक लाइन से लगे रहने देते हैं. अतः एक बार लगाए गए सेट से 3 से 4 बार फसल प्राप्त होती है. रेटूनिंग समझ में आ गई बच्चों? जो भी गन्ने का पादप है उसको ऊपर से काट लिया,
नीचे का जो हिस्सा बचा है, एक दो फुट का हिस्सा बचा है, वो क्या है कि द्वारा से अंकुरित हो जाएगा और अंकुरित होने के बाद द्वारा से फसल देगा। इस तरह एक सेट से 3 से 4 फसल प्राप्त होती है। प्रॉपिंग द ऑपरेशन ऑफ टाइंग द लीव्स टुगेदर यूजिंग द बॉटम डाई एंड ग्रीन डाई इज नोन एज प्रॉपिंग। इट इज ऑल्सो डन टू चेक लॉगिंग ऑफ केन। जैसे कि बारिश आया, तेज हवा आई, बरसात आई, तो गन्ने की फसल तिरछी आड़ी हो सकती, तिरछी पड़ जाए, उल्टी हो जाए, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, सारी फसल को आपस में बांध देते हैं ताकि फसल गिरे नहीं। अब यील्ड ए गुड क्रॉप अंडर गुड मैनेजमेंट में यील्ड अबाउट 800 to 1 स्क्वायर हेक्टेयर। द 18 million क्रॉप इन साउथ इंडिया स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु यूजली गिव ए 1000 to 1200 स्क्वायर ऑफ केन पर हेक्टेयर। अब हम इसके गन्ने के आर्थिक महत्व के बारे में प्रिपरेशन ऑफ शुगर भी देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ शुगर में क्या आएगा, सबसे पहले रस निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर रस का शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस करते हैं, फिर रस का सांद्रीकरण करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ जूस करते हैं, उसके बाद रिफाइंड ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल परिष्करण या शोधन का कार्य करते हैं। गन्ने की कुछ इम्प्रूव वेराइटीज़ भी हैं। लखनऊ में स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR, कोयम्बटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान केंद्र शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI द्वारा गन्ने की कई उन्नत किस्में विकसित की गई जो भारतीय जलवायु के अनुकूल हैं। इसमें से प्रमुख हैं CO312, CO470, CO997, CO1007, CO6304। इसके अलावा CO8337, CO8340, CO8338 का भी विकास किया गया। अब गन्ने का आर्थिक महत्व, गन्ने के उपयोग के बारे में भी जानेंगे बच्चों। गन्ने से प्राप्त चीनी का संपूर्ण विश्व में मिठाई, पेय पदार्थ, आइसक्रीम, बिस्किट, केक, खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। चीनी हार के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। कागज, फाइबर, बोर्ड, प्लास्टिक आदि इसी गन्ने से निर्मित, गन्ने का जो है गन्ने की खोई से निर्मित किए जाते हैं। तनों व पंड को चारे के रूप में काम में लेते हैं। चीनी निर्माण प्रक्रिया में प्राप्त अवशेष से वसा, अम्ल तथा मोम प्राप्त किए जाते हैं जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। विश्व में गन्ने के द्वारा कई तरह के अल्कोहलिक पेय निर्मित किए जाते हैं। भारतीय समाज में गुड़ का अत्यधिक प्रचलन है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी गुड़ शुभ माना जाता है जो कि गन्ने से सीधा प्राप्त होता है। गन्ने के रस का उपयोग सीधा ही पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। गन्ने के रस से सिरका बनाया जाता है जो कि भोजन परिरक्षण फूड प्रिजर्वेशन में उपयोगी है। गन्ने के छोटे टुकड़े काट कर इन्हें चूसा भी जाता है। ये गन्ने के आर्थिक महत्व हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।